हेलो फ्रेंड्स, खाना पकाना बाइजे भी जुबैर में आप सबका इस्तकबाल है। पनीर मेथी मलाई की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेथी अब सीजन में है और ऐसे टाइम पर मेथी की अलग अलग चीजें हमें घर पर बनानी चाहिए। आज मैं पनीर के साथ मेथी बनाने जा रही हूँ, जो मैं बनाऊंगी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर मेथी मलाई बनाने के लिए यहाँ मैंने लिया है फ्रेश मेथी 150 ग्राम। हमें सिर्फ इसकी पत्तियां लेनी है, डंठल को हटा देंगे क्योंकि ये कड़वे थोड़े ज्यादा होते हैं। इस तरह आप इसकी एक एक पत्तियों को तोड़ लीजिए। मेथी की पत्तियों को नमक के पानी में 5-10 मिनट भिगो कर रख देंगे तो इसमें जो मिट्टी होती है वो नीचे बैठ जाएगी और कड़वाहट भी थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने लिया है 300 ग्राम पनीर, जिसे मैंने इस तरह चौकोर कट कर लिया है और मेथी को भी नमक के पानी से निकाल कर अच्छे से 2-3 बार और पानी से साफ कर लिया है। अब पनीर को हमें शैलो फ्राई करना है, तो चलिए गैस ऑन कर लेते हैं और रख लेते हैं एक नॉनस्टिक पैन। और पैन में डालेंगे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल जब गर्म हो जाए तो उसमें डालेंगे 1/4 चम्मच हींग और थोड़ा सा नमक, और साथ ही पनीर के पीसेस को डालकर हमें फ्राई करना है। तो एक एक करके पनीर के पीस को रखिएगा क्योंकि पानी छोड़ता है पनीर, अगर बोल में पानी हुआ तो तेल का छींटा के ऊपर आ सकता है। फौरन चम्मच नहीं लगाएंगे, अभी पनीर बहुत सॉफ्ट है। जब पनीर नीचे से गोल्डन हो जाए तो पलटकर दूसरी तरफ से भी इसे गोल्डन फ्राई कर लेंगे। बहुत से लोगों की ये शिकायत होती है कि पनीर फ्राई करने पर हार्ड हो जाते हैं, तो इसके लिए बताने जा रही हूँ एक टिप। एक गहरे बोल में लेंगे गुनगुना पानी, बहुत ज्यादा गर्म पानी की जरूरत नहीं है, और पानी में डालेंगे 1 चुटकी हींग और फ्राइड पनीर को इस गुनगुने पानी में हमें सोक करना है 10 मिनट के लिए। हमें रेसिपी में हींग का फ्लेवर चाहिए, इसलिए गर्म पानी में हींग डाल रहे हैं, वरना अगर आप सोक करना चाहते हैं तो हींग डालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ गुनगुना पानी होना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं तीसरे स्टेप की तरफ। हमें तैयारी करनी है ग्रेवी की। इसके लिए लेंगे एक पैन और उसमें डालेंगे 1 कप पानी। जब पानी थोड़ा सा गर्म होने लगेगा तब डाल देंगे 2 मीडियम प्याज टुकड़ों में कटी हुई, 1/2 कप काजू और 3 हरी मिर्च। इसको हमें उबालना है तब तक जब तक इसका पानी ना सूख जाए। तेज आंच पर ही उबालेंगे। देखिए इसका पानी सूख चुका है, थोड़ा बहुत रह जाए तो कोई बात नहीं, इसकी जब हम पेस्ट बनाएंगे तो वो पानी उसमें काम आ जाएगा। गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा करके हम बारीक पेस्ट बना लेंगे। इस तरह बिल्कुल बारीक पेस्ट चाहिए। चलिए वापस से बढ़ते हैं पैन की तरफ। जिस तेल में पनीर फ्राई किया था उसी तेल में 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल और डालेंगे। जब तेल थोड़ा गर्म हो जाए तब डालेंगे 1/4 चम्मच हींग, 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन, बहुत बारीक बारीक कट कीजिएगा, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं, 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, और इसको डालकर 30 सेकेंड इसको फ्राई करेंगे। हल्का सा बस इसका रंग बदल जाए अदरक लहसुन का। इस वक्त गैस की आंच जो है वो तेज है। अब फ्लेम को स्लो कर देंगे और डालेंगे 1/4 चम्मच सौंफ का पाउडर, 1/4 चम्मच सौंठ का पाउडर यानी अदरक का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। अब इन मसालों को भी तेल में फ्राई करेंगे 30 सेकेंड के लिए। अब डालेंगे उबली हुई प्याज काजू और हरी मिर्च का पेस्ट जो हमने बनाया था। इस पेस्ट को धीमी आंच पर हमें तेल छूट जाने तक भूनना है, लगातार चलाते रहेंगे वरना काजू की वजह से मसाला नीचे लगने लगेगा। ये देखिए तेल ऊपर से दिखने लगा है। अब डाल देंगे धुली हुई मेथी की पत्तियां और मसालों के साथ इन पत्तियों को पकाना है। 5 मिनट धीमी आंच पर इसको चलाते हुए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद आप देखिए इस तरह से आपको साइड से तेल निकलता हुआ दिखने लगेगा।
मेथी को गलने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी बन जाती है ये सब्जी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब इसमें डालेंगे आधा कप दही, दही को अच्छे से फेंट कर डालेंगे ताकि इसमें गांठे ना पड़े, और मसालों के साथ इसको भून लेंगे। दही डालने के बाद आप देखिए मसालों का रंग जो है वो चेंज हो चुका है। अभी हमने नमक नहीं डाला है, अब डालेंगे आधा छोटा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच चीनी, और इसे 2 मिनट धीमी आंच पर और भून लेंगे। बीच बीच में आप चाहें तो गैस की आंच को तेज कर सकते हैं। 2 मिनट के बाद ये देखिए तेल अच्छे से ऊपर आ चुका है, बस अब हमारी सब्जी लगभग बन चुकी है। अब ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम या फ्रेश मलाई, और इसे ग्रेवी में मिक्स करेंगे, ज्यादा पकाना नहीं है इसको। डालेंगे 1/2 कप पानी और 1-2 बार चम्मच चला लेंगे। पानी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि काजू की वजह से ग्रेवी अभी थोड़ी और थिक होगी। अब ग्रेवी में ऐड करना है हमें पनीर, तो पनीर को पानी से बाहर निकाल लेंगे और तैयार ग्रेवी में डालेंगे। देखिए ग्रेवी का कलर कितना अच्छा आया है। बस पनीर को ग्रेवी के साथ जेंटली मिक्स कर लेंगे और ढककर 1 मिनट धीमी आंच पर इसे और पका लेंगे कि पनीर के अंदर मसाला पहुंच जाए। तो लीजिए, बनकर तैयार है पनीर मेथी मलाई, जिसमें लज्जत के साथ सेहत भी है। इसे रोटी नान पराठा किसी के भी साथ सर्व कीजिए और इसका मजा उठाइए। आज की मेरी रेसिपी आपको जरूर पसंद आई होगी, इसे लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए कि मेरी नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।